हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि आपकी जो सेक्स डिटरमिनेशन प्रोसेस होती है, यानी कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ये किस पे डिपेंड रहता है। अगर हम लोग ह्यूमन को देखें तो ह्यूमन में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, मोस्ट पीपल जो होते हैं वो जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे कि जो फीमेल्स होती हैं उनको आपको ब्लेम करने लगते हैं कि लड़की हुई है तो उस बात के लिए ब्लेम करने लगती है, लड़का होता है तो उस बात के लिए, कि ये डिपेंड करता है कि लड़की पे। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, जो सेक्स टर्मिनेशन होता है वो डिपेंड करता है आपका मेल पे। मेल में, क्योंकि मेल में पाए जाते हैं आपके दो टाइप के क्रोमोसोम, एक एक्स और एक वाई, और फीमेल में केवल सेम क्रोम पाए जाते हैं, एक्स एक्स आपका, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होती आपका यहाँ पे, ठीक। तो मेल डिटरमाइन करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगा, अगर एक्स क्रोमोसोम जाके फीमेल को फर्टिलाइज करता होगा उनको, तो यानी कि क्या होगी, लड़की, और अगर वाई क्रोमोसोम जाके आपके फर्टिलाइज करता है तो क्या होगा, आपका लड़का। ऐसे ही बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए आपके, कुछ ड्रोसोफिलास हो गए, तमाम तरह के आपके कुछ इंसेक्ट्स, उन सब में भी क्या होता है, डिटरमिनेशन कराता है, मेल डिटरमिनेशन कराता है, ठीक। लेकिन अब अगर हम इन सब चीजों से हटके बात करें तो कुछ आपके ऐसी भी चीजें होती हैं जहां पे फीमेल डिटरमाइन कराती है, यानी कि वो डिपेंड करेगा फीमेल पे कि लड़का होगा कि लड़की होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो इस बात पर डिपेंड करे, वो डिपेंड करती है कि लड़का पैदा करेंगी, एक्स में जो ओवम बने वो लड़का होगा कि लड़की होगा, वो मेल पे डिटरमाइन नहीं करता, मेल डिटरमाइन नहीं करता, क्योंकि मेल्स में वहां पे क्या होता है, सेम टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और फीमेल्स में क्या होता है, दो अलग टाइप के ZW टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अगर तो ये मेल, ठीक है। इसी के बाद पे अगर कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है, यानी कि वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि आपके जो कि इन्वायरमेंट, यानी कि ठंडा इन्वायरमेंट है कि गर्म इन्वायरमेंट है, यानी उनके जो अंडे जो दे रहे हैं आपके, जैसे जो रेप्टाइल्स वगैरह हैं आपके यहाँ पे, तो बहुत से रेप्टाइल्स ऐसे भी होते हैं जो इस बात पर डिटरमाइन करेंगे कि जो अंडे दे रहे हैं वो आपके किस टेम्परेचर में है, आपके आपके सर्दी वाले रीजन में रखे हैं, यहाँ पे जहाँ का टेम्परेचर लो है, या फिर जहाँ का टेम्परेचर आपका बहुत हाई है, यानी कि आपका चिलिंग वो आपका गर्मी है वहाँ पर, ठीक। उस बात पर डिपेंड करेगा कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और कई सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जिस जो इस बात पर फैक्टर डिपेंड कराते हैं कि मेल पार्टनर उनके साथ में है या नहीं है, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिटरमाइन कराती हैं सेक्स को आपका। अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम कैसे सेक्स डिटरमाइन, ह्यूमन में कैसे सेक्स नियम निकाल सकते हैं कि मेल कैसे होगा कि फीमेल कैसे होगा, तो उसके लिए आप हमको कमेंट करके बताइए, तो हम उससे रिलेटेड पूरा वीडियो फॉर्म करते हैं कि कैसे डिटरमाइन करते हैं कि मेल कैसे निकलता है, फीमेल कैसे निकलता है। वहीं अगर हम लोग, एक प्रोसेस होती है पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका बेबी प्रोडक्शन हो जाना, यानी बिना स्पर्म ओवम के मिले ही आपका क्या होना, पेरेंट्स के ही एक सेल्स क्या होना, आपका बेबी फॉर्मेशन होना। तो ये चलती है आपकी हनीबी में, हनीबी में भी एक प्रोसेस होती है जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड टाइप की आपकी सेल्स फॉर्मेशन होती है, ये भी एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस जो आपको आपको बता दी जाएगी, अगर आप कमेंट करके आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए आपका, ठीक। तो गाइस कैसी लगी ये जानकारी, इस तरह की जानकारी पाने के लिए शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और लाइक का बटन जरूर दबाइए।